नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं हिंदी किताबों के बारे में बातें करती हूँ, उनकी समीक्षा करती हूँ और आपको बुक्स रिकमेंड भी करती हूँ, और साथ ही साथ हिंदी शब्दों और उनके सही उच्चारण यानी सही प्रोनंसिएशन के बारे में भी आपको बताती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं और अभी तक वहाँ जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उस रेड बटन को ब्लैक कर दीजिए और साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन आएगा उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके मोबाइल फोन को तुरंत सूचना मिल जाए। क्या आपको वो शब्द याद है जिनका इस्तेमाल आप अपने स्कूल में किया करते थे, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद ही उन शब्दों को भी आपने टाटा बाय बाय कर दिया। जब हम स्कूल में थे तो बहुत सारे ऐसे हिंदी शब्द थे जो हम बहुत गर्व से बोला करते थे, जिन्हें आज हम नहीं बोलते हैं या बोलना नहीं पसंद करते हैं। कुछ इसलिए कि समय बढ़ने के साथ साथ हिंदी शब्दों को इंग्लिश वर्ड से रिप्लेस करना हमें अपने स्मार्टनेस और एडवांस होने की निशानी लगने लगी, और कुछ इसलिए भी कि कल के स्टूडेंट्स जब आज पेरेंट्स बने तो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाने के लिए अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो प्यारे प्यारे शब्द भूलने लगे। ये अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को पिछड़ता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए उनकी अंग्रेज़ी अच्छी रखना चाहते हैं, उन्हें वही शिक्षा देना चाहते हैं जिसकी वजह से उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी के शब्दों की भी जानकारी रखें? आखिरकार ये उनकी मातृभाषा है, एंड ट्रस्ट मी, अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी जानने से उनकी इंटेलिजेंसी कम बिल्कुल नहीं होगी, बढ़ेगी ही। तो आज आपके लिए मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें 10 ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप अपने स्कूल में बोला करते थे और आज की डेट में आप शायद उन्हें भूल चुके हैं। हो सके तो ये वीडियो अपने बच्चों को या आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको ज़रूर दिखाइएगा। क्या पता इसी बहाने से कुछ अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी शब्द उन्हें पता चल जाए, कुछ वो भी सीख ले, है कि नहीं। आइए शुरू करते हैं पहले शब्द के साथ। पहला शब्द, अपने समय में हम भी आजकल के बच्चों की तरह ही भारी भरगम बैग लादकर स्कूल जाते थे। हाँ, आज के स्कूल बैग्स जितना भारी नहीं होता था, पर हमारे लिए वो भी उतना ही भारी माना जाता था। स्कूल बैग को क्या कहते थे तब हम? बस्ता। याद आया, हमारा स्कूल बैग हमारा बस्ता हुआ करता था, और वो आजकल का वो पिट्ठू वाला बैग नहीं हुआ करता था, वो रेक्टेंगल सा होता था जिसमें दोनों तरफ चुटपुटिया वाले बटन्स होते थे, जिसमें हम एक तरफ कॉपी एक तरफ किताब ऐसे रख के ले जाते थे। तो स्कूल बैग को हिंदी में क्या कहते हैं? बस्ता। बस्ता इज सो कूल, आप बोल सकते हैं यार। आइए दूसरे शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड? ये सवाल हमारे समय में भी पूछा जाता था, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश की क्लास में, इंग्लिश सिखाने के मकसद से। वरना नॉर्मली तो लोग यही पूछते थे कि कौन सी कक्षा में हो, किस कक्षा में पढ़ते हो या पढ़ती हो, और हम जवाब देते थे कक्षा 7, कक्षा 8। कक्षा यानी क्लास, क्लास को हिंदी में कहते हैं कक्षा। याद आया ना, कक्षा में क्ष होता है, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, क्ष होता है छ नहीं, क्ष ही बोलिएगा, छ नहीं, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगले शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। बचपन में एग्ज़ाम देने हम भी जाते थे प्लास्टिक की थैली लेकर के, उसमें एक बॉक्स होता था और एक दफ्ती होती थी, बोर्ड होता था, एंड एग्ज़ाम देने जाते थे। नॉर्मल डेज़ की बजाय एग्ज़ाम के दिन इसलिए भी राहत देते थे क्योंकि भारी भारी बस्ते टांग कर हमको लेकर नहीं जाना पड़ता था। एग्ज़ाम के लिए हिंदी में एक शब्द बहुत प्रचलित था, हाँ इम्तिहान तो कहते ही हैं, लेकिन हम परीक्षा शब्द का भी इस्तेमाल करते थे। परीक्षा के दिन आ रहे हैं, परीक्षा की तैयारी चल रही है, या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उस वक्त ऐसा बोलते समय ना सामने वाला हंसता भी नहीं था कि इतनी हिंदी क्यों बोल रहा है। हम अपने भाषा की इज्जत करना जानते थे। तो एग्ज़ाम यानी एग्जामिनेशन की हिंदी होती है परीक्षा। अब इसकी स्पेलिंग पर भी ध्यान दीजिए, गलत मत लिखिएगा, र पर बड़ी की मात्रा और क्षा, फिर से बोलूँगी, क्षा होता है। मैं बार बार ये क्ष वाले शब्द इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आपको एकदम रटा सकूँ कि वो क्ष है छ नहीं। हम उत्तर भारतीयों से अक्सर ये गलती बोलते समय हो जाती है। तो आगे से अगर आपको कक्षा या परीक्षा जैसे शब्द बोलने हो तो ध्यान रखिएगा क्ष होता है, कि अगली बार सामने वाले को जब आप कहें कि आपने बोर्ड की परीक्षा पास कर ली है तो उसे ये तो भरोसा हो ही जाए कि नकल से नहीं की होगी। अगले शब्द की ओर आगे बढ़ते, इसे आप क्या कहते हैं? नोटबुक, राइट? लेकिन हम अपने समय में नोटबुक नहीं कहते थे, हम कहते थे कॉपी। हिंदी की कॉपी, विज्ञान की कॉपी, अंग्रेज़ी की 4 लाइनों वाली कॉपी, याद आया? वैसे कॉपी भी
हिंदी शब्द नहीं है, अंग्रेजी शब्द ही है, लेकिन उस वक्त नोटबुक की जगह कॉपी शब्द ज़्यादा चलन में था। ज़्यादातर बच्चे परीक्षा देते वक्त अपनी कॉपी में किसी दूसरे की कॉपी से कुछ कॉपी कर लिया करते थे। वैसे आप नोटबुक बोल सकते हैं, कॉपी मत ही बोलिएगा, क्योंकि कॉपी से मतलब लोग नकल मारने से लगा सकते हैं, है ना। कॉपी नोटबुक दोनों सेम चीज़ है, दोनों अंग्रेजी के ही शब्द हैं, लेकिन बचपन याद आया तो सोचा ये शब्द भी बताती चलूं। पांचवा शब्द हमारी हैंडराइटिंग से जुड़ा है। बचपन में सबसे आसान होमवर्क लगता था एक पेज राइटिंग लिख करके ले आना। वैसे ये मेरे लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे तो हर रोज़ 2-4 डंडे खाने ही होते थे अपनी ख़राब हैंडराइटिंग की वजह से। मेरे टीचर को लगता था कि ऐसा करके वो मेरी राइटिंग सुधार देंगी, हालांकि आज भी मेरी राइटिंग पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो राइटिंग जो हम लिख कर ले आते थे उसे हिंदी में क्या कहते हैं? सुलेख। हम सुलेख लिखते थे। सुलेख से ही जुड़ा एक और शब्द है जिसे इंग्लिश में डिक्टेशन कहते हैं, आलेख। डिक्टेशन में होता क्या है कि टीचर्स बोलते हैं और हम उनका सुन सुनकर लिखते हैं। ये हमारी भाषा, व्याकरण और वर्तनी की अशुद्धियाँ दूर कराने की सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती थी। आज के डेट में शायद स्कूलों में डिक्टेशन यानी आलेख का जो ट्रेंड है वो शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर अभी भी आप अपनी भाषा में सुधार करना चाहते हैं, अपनी हिंदी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आलेख बहुत अच्छा माध्यम रहेगा आपके लिए। इसके ज़रिए आप अपनी व्याकरण, वर्तनी और भाषा की सभी अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। छठा शब्द, गणित। आपको याद है आखिरी बार आपने इस शब्द का इस्तेमाल कब किया था? भूल गए होंगे, है ना। हमारे टाइम में यानी 90s के दौर के जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, याद होगा उन्हें कि स्कूल में हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय हो, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ऐसे सब्जेक्ट्स का नाम हिंदी में ले लिया करते थे। हालांकि जैसे जैसे हमारी कक्षाओं का स्तर बढ़ता गया, हमें ये सिखाया जाने लगा कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी से रिप्लेस कर देना ही हमारे बढ़ते बौद्धिक स्तर की पहचान है। तो हमने भी इन शब्दों को रिप्लेस कर दिया। और जब मैं क्लास 9th में गई और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे गणित पढ़ना है, या कहूँ कि डिसाइड करवाया गया, तो मुझे मेरे टीचर ने समझाया था कि अब तुम बड़ी हो गई हो, कम से कम अब तो गणित की किताब की जगह मैथ के बुक बोला करो, अच्छा साउंड करेगा। और मैंने भी सिर झुकाकर उनकी बात मान ली थी। वो तो हमें बाद में समझ में आया कि गणित को मैथ बोल देने से बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ जाता, दिमाग का लेवल नहीं बढ़ जाता। सो गणित यानी कि मैथ, मैथ को हिंदी में कहते हैं गणित, अरिथमेटिक यानी अंक गणित, एलजेब्रा यानी बीज गणित। इंग्लिश के प्रोनंसिएशन गलत हो रहे हो तो माफ़ी चाहती हूँ, मेरा ज़्यादा फोकस हिंदी पे ही रहता है। सातवां शब्द, पहाड़ा। इस शब्द को तो लगभग आप भूल ही चुके होंगे। टेबल यानी पहाड़ा। मेरे दोस्त की दीदी की बच्ची है, उसके नाना ने एक बार उससे बोला कि बेटा पहाड़ा सुनाओ, तो उसने कहा ये क्या होता है। फिर जब उसे समझाया गया तब उसने कहा अरे ये तो टेबल होता है, पहाड़ा थोड़ी। और आश्चर्य की बात ये कि उसने तब तक इस बात पर विश्वास नहीं किया जब तक उसकी टीचर ने उसे अश्योर नहीं कर दिया कि हाँ पहाड़ा नाम का कोई शब्द है। अब उसमें बेचारी बच्ची की क्या गलती जब टीचर ने ही उसे हिंदी शब्द बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके ही बच्चे हैं तो उनको एक बार बता दीजिएगा कि टेबल को हिंदी में पहाड़ा भी कहते हैं। खैर, अगला शब्द यानी आठवां शब्द, स्कूल में होशियार छात्र छात्राओं को एक परीक्षा देने का मौका मिलता था, जिसमें पास होने पर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की मदद मिलती थी। क्या बोलते थे उन्हें? छात्रवृत्ति। आज भी मिलती है छात्रवृत्ति, लेकिन आज हमने इस शब्द को इसके अंग्रेजी शब्द से रिप्लेस कर दिया है और अब हम छात्रवृत्ति को कहने लगे हैं स्कॉलरशिप। जी हाँ, स्कॉलरशिप की हिंदी होती है छात्रवृत्ति, जो हमारे समय में बहुत चलन में थी, हम बोलते थे, पर आज के टाइम में शायद ही किसी के मुंह से ये शब्द सुनाई देता है। छात्र को जो वृत्ति मिले उसे ही कहेंगे छात्रवृत्ति। कितना आसान सा शब्द है, मुझे तो स्कॉलरशिप से आसान यही लगता है छात्रवृत्ति। नौवां शब्द, एक बार मैंने किसी से पूछा कि मार्कशीट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसने बोला मार्कशीट को हिंदी में मार्कशीट कहते हैं। बहुत सारे लोग अंग्रेजी शब्द को ही कहते हैं, हाँ हिंदी में यही कहते हैं, लेकिन मार्कशीट को हिंदी में कहते हैं अंक पत्र। अंक यानी मार्क्स, पत्र यानी शीट, अंक पत्र यानी मार्कशीट। पहले जब हमें रिजल्ट यानी मार्कशीट मिलती थी तो उसमें ब्रैकेट में बगल में लिखा होता था अंक पत्र, लेकिन आजकल मार्कशीट में हिंदी शब्द लिखने का चलन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा मैं ही बता देती हूँ मार्कशीट को हिंदी में क्या कहते हैं, याद रखिएगा। दसवां और आखिरी शब्द, स्कूल की यादें तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक मैं किसी खेल का जिक्र न करूं। और अगर मैं कहूं कि
नारियल ईयर्स, इक्कड़दुक्कड़ या फिर पोशंपा भाई पोशंपा, रिंगा रिंगा रोजेस, तो शायद ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे ये क्या बोल रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आई स्पाइस तो ज़्यादातर बच्चे समझ जाएंगे। एक यही गेम है जिसका क्रेज़ आज भी बच्चों में है, आई स्पाई, नहीं छुपन छुपाई का खेल, हिंदी होती है इसकी छुपन छुपाई। वैसे स्कूल में बोले जाने वाले शब्द तो इतने सारे हैं कि अगर मैं सबके बारे में बताने लगूं सबकी हिंदी तो घंटों बीत जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये 10 शब्द आपके लिए चुने और लेकर के आई, ताकि आप भी अपने स्कूल की यादों में पहुंच सके और बच्चे जो आपके घर में हैं उनको भी कुछ शब्दों की हिंदी पता चल सके। अगर ये वीडियो देखते समय आपको कोई ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द याद आया जो आप अपने स्कूल में बोला करते थे तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा ये वीडियो, इसकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार तो मुझे हमेशा रहता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला तो जल्दी से क्लिक करके इस फ्री सेवा का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में एक बढ़िया से किताब लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिए।